River, this place is called triangle, Danish mein kehte hain, aur triangle aap English mein keh sakte hain. ये इसका ये कितने three roads इसमें हैं, ये एक और उसके बाद दूसरा सामने और दूसरी तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ से भी आ रहा है, तो ये three roads इसमें मिलते हैं, इसको triangle कहते हैं. पुरानी building है ये, पहले वक्तों में ये होता था कि यहाँ guards भी होते थे, बैठते थे यहाँ पे और इसके अंदर वो recording करते थे और लोकल डायलिंग होती थी, लेकिन अब नहीं है ये, तो अब इसे खाली है ये. अब इसके साइड्स को जो है इन्होंने इम्प्रूव किया हुआ और ये ट्रैफिक है यहाँ की. दूसरी साइड पे स्टेडियम के करीब ये शॉप बनी हुई है, कोविड की वजह से ये भी क्लोज है. इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इन्होंने स्नैक्स हैं और आइसक्रीम्स के प्रांट्स हैं. यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने वेलकम, और इसके बाद ये एक बहुत बड़ा पार्क है, इसको फेलेट पार्क कहते हैं. ये आप देख सकते हैं फुटबॉल स्टेडियम दूसरी तरफ है, वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो सामने की तरफ जो है दरख्तों के पीछे वो फुटबॉल स्टेडियम है. और ये इसके यहाँ पे ये ग्राउंड है बहुत बड़ा, यहाँ पे कोई अगर कोई इनका फंक्शन होता है या कोई ऐसी ओपनिंग होती है तो वो यहाँ पे होती है. ये आर्किटेक्ट की एक बिल्डिंग देखें, ये इसके मिरर, इसके विंडोज भी बनाई हुई हैं, और देखें इसके अंदर विरर्स भी है, और इसकी साइड पे ओपनिंग कैसे दी हुई है. यहाँ पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है इनकी, और ये बिल्डिंग देखें. इस तरफ एक फुटबॉल का ग्राउंड है, बहुत अच्छी लगी है मुझे ये. इसमें आर्किटेक्ट का डिज़ाइन है, देखें आर्किटेक्ट ने कमाल किया इसमें.